Hello friends, welcome again to the world of Maths by MBA. So there is a question in front of you. I would say please pause the video, try to solve this reasoning question. This reasoning question is sent by Mr. Indu Bhushan on our WhatsApp group. So please pause the video and solve the question. And you have nothing but 107 more days to go for CAT 2019. So please pause and question ko solve kijiye. I hope aapne video pause kiya hoga aur question solve bhi ho gaya hoga because bahut easy hai. We have two questions usme dikh raha tha. तो हम लोग इस मिसिंग चार्ट को उस डेटा से बनाते हैं. तो आपका क्वेश्चन क्या है, यू हैव 5 टेस्ट 6 पर्सन रैंकिंग आई हुई है बट कुछ रैंकिंग स्किप हो रहा है. रैंकिंग स्किप क्या हो रहा है, अगर 2 पर्सन को सेम रैंक आ गया टॉपर तो हमें जो सेकंड रैंक देना है वो थर्ड देना है. देन अगर 2 लोगों का सेम मार्क्स आ गया 3 पे तो 1, 2, 3, 4 नेक्स्ट जो आएगा वो हायर रैंक जाएगा, मतलब आप नेक्स्ट रैंकिंग पे आते जाते हैं. तो दिस वन इज कॉल्ड रैंक स्किपिंग. रैंक स्किपिंग 2 टाइप्स होता है, हो सकता है 1-1 देन हम 2 दे दें, बट इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है इफ यू आर गिविंग 1-1 देन गिव 3rd, जस्ट लाइक यू हैव अ क्वेश्चन इन द मदर स्टेटमेंट. इफ 3 स्टूडेंट आर गिवन रैंक 2 द नेक्स्ट हाइएस्ट रैंक स्टूडेंट विल बी रैंक 5, मतलब रैंक स्किप कर रहे हो. और रैंक स्किप कैसे कर रहे हो, अगर आपके मल्टीपल रैंक दिखने स्टार्ट होते हैं तो. नाउ वी हैव फ्यू बुलेट पॉइंट्स बिलो द चार्ट. फर्स्ट बुलेट पॉइंट, ई रैंक हायर देन एफ इन टेस्ट 1. रैंक स्किपिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, वी कैन नॉट स्किप रैंक 1. तो यहां पे मुझे रैंक 1 किसी को देना है, यहां पे भी किसी को रैंक 1 देना है, यहां पे भी किसी को रैंक 1 दिया जा चुका है. अच्छी बात है, मीन्स रैंक 1 यहां देना है, रैंक 1 यहां देना है. यहां पे इस क्वेश्चन में जो बुलेट पॉइंट 1 आपका है वो बोल रहा है ई रैंक हायर देन एफ, तो रैंक 1 इसे मिलेगा बिकॉज इसको ज्यादा चाहिए. तो रैंक 1 हो चुका है, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6. अब मुझे ये चाहिए. अगर ये मिसिंग डेटा है तो अब देखो क्या हुआ, 1, 2, 3 बिकॉज दोनों सेम रैंक है, 4 यहां पे 5 आएगा. सो 5 2 तरीके से आ सकता है, बीट 4 और 5 और ओनली 5. सो द रैंक वुड बी 1, 2, 2 दैट इज 2 एंड 3 मर्ज, 4, 4, 6 और 4, 5, 6. तो वी हैव कंप्लीटेड टेस्ट 1, हम लोगों का टेस्ट 1 कंप्लीट हो चुका है. नाउ बुलेट पॉइंट 2, वी गॉट सेम रैंक इन द 3 टेस्ट. वी गॉट सेम रैंक इन द 3 टेस्ट. अब आपके पास 2 2 है तो आप कल कह सकते हो 2 2 लेके आ सकते हो और बाकी कुछ आपका आएगा. आपके पास सिंगल 5 है तो आप 3 5 भी बना सकते हो और 2 2 जो यहां पे है. तो कैन वी पुट 3 5 और नॉट. अब देखो इस टेस्ट में, यहां पे तो मुझको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है. इस टेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 4 हो चुका है. 2 4 होने का क्या मतलब है, 1 4 अपना 4 होगा, दूसरा 4 फिफ्थ प्लेस को ले रहा होगा. तो वी कैन नॉट प्लेस 5 हियर. अगर यहां पे आप 5 प्लेस नहीं कर सकते हो तो यू कैन नॉट मेक 3 5. जबकि रैंक, जबकि बी का 3 टेस्ट में सेम रैंक है तो ये जो हमने कंडीशन एज्यूम किया वो गलत है. इसका मतलब मेरे पास 2 2s है और कहीं पर कुछ और वैल्यूज होगा. तो वी गॉट 3 2s नॉट 2 2s. बी के पास 3 2 कहीं पे आएगा, मतलब 1 2 कहीं और आएगा, कुछ रैंक और होगा. तो सो बुलेट पॉइंट 2 हमारा हो चुका. मूव टू द बुलेट पॉइंट 3, टेस्ट 4, ए एंड सी गॉट द सेम रैंक. टेस्ट 4 में ए और सी के पास रैंक सेम है. अब देखते हैं, रैंक 1 तो मिस नहीं हो सकता, रैंक 1 मिस नहीं हो सकता. तो मैं बोलता हूं कि तुम दोनों रैंक 1 जाओ, 1 1 देन 2 मिस हो चुका है तो यहां क्या होगा, 3 3 भी मिस हो सकता है. तो मैं बोल सकता हूं 1 1 1 यहां पे इस तरह से हो सकता है, ये हो सकता है 1 जाओ 1 जाओ, यहां क्या चले जाओ 3 जाओ, 1 1 3 4 5. और क्या हो सकता है, कैन आई से ऐसा हो सकता है कि मैं इसको रैंक 1 दूं, यहां रैंक 2, यहां रैंक 3. तो हमारे पास 3 केसेस हैं टेस्ट 4 के लिए इन विच ए एंड सी को सेम रैंक आना है. ये हमारे पास केसेज है. इस किसी भी केस में, इसको आप देखना, इस किसी भी केस में ए एंड बी, इस किसी भी केस में आप देखना यहां पे 2 नहीं आया है, 1 3 1 का केसेज है एंड वी नीड 3 2s. तो ये पक्का हो गया कि 1 2 तो मेरा यहां पे होगा, ये पक्का हो गया. तो वी हैव दिस फ्रॉम द पॉइंट सेकंड और थर्ड, अगर मैं मर्ज करूंगा तो मेरा इतना आया. फोर्थ पॉइंट, इन टेस्ट 5 डेजी वाई रैंक हायर देन ईएनएफ. टेस्ट 5 में डेजी का रैंक हायर है. हम लोग पास मिसिंग डेटा क्या है, 1 2 3. 1 2 3 को आप कैसे प्लॉट कर सकते हो, यू कैन प्लॉट 1 2 3 लाइक तीनों 1 चले जाओ या 1 2 2 चला जाओ या 1 2 3. नाउ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डैजी का रैंक हायर है, इट मींस डैजी 3rd रैंक पे आया होगा. यहां पे आपके पास चाहे तो 1 1 होगा या 1 2 होगा
या 2-1 होगा, रैंक यही होगी आपकी, बिकॉज डैजी का रैंक हाइयर है। अब देखते हैं ए एंड बी गॉट द सेम रैंक इन एग्जैक्टली टू टेस्ट में सेम रैंक आया है। यहां पे आपके पास क्या आया है, यहां पे आपके पास 2-2 है, एक जगह सेम है, यहां सेम नहीं है, यहां सेम नहीं है, और सेम इसी दोनों टेस्ट में होगा। बट आप देखो, आप रैंक वन को स्किप नहीं कर सकते हो, तो ये रैंक वन तो होगा। अब इन्होंने बोला क्या है, लास्ट पॉइंट, ए और बी का सेम रैंक आया है दो टेस्ट में, इस टेस्ट में सेम रैंक, यहां रैंक नहीं, यहां नहीं, मतलब इस दोनों जगह सेम रैंक आया होगा। सेम रैंक आने का मतलब क्या है, दोनों जगह आपके पास गिवन कंडीशन से आए क्या होंगे, 1-1, दोनों जगह गिवन कंडीशन से 1-1 आया होगा। तो अब हम लोग के पास डेटा बचा है, और यहां पे वी कुड हैव 1-1, 2-3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब 3 वी हैव 1-1, 3, हाँ 3, यहां पे 3 नहीं डाला था बिकॉज कुछ रीजन था, बिकॉज इन दोनों का सेम होना चाहिए। अब देखिए आप, इन्होंने इसमें भी बोला है कि ए और सी का रैंक सेम है, रैंक सेम है इसका मतलब यहां पे 1 होगा। तो वी गॉट दिस प्लॉटिंग, हमारा यहां तक प्लॉटिंग हो चुका है, 4-5 है, ये है। अब इस दोनों पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कुछ मिस हो रहा है या नहीं मिस हो रहा है। तो नाउ द पॉइंट क्या था आपका, इन द टेस्ट 5 डैजी रैंक हायर देन बोथ ई एंड एफ, डैजी रैंक हायर देन बोथ ई एंड एफ। तो हम लोग के पास पूरा का पूरा चार्ट बन चुका है, इससे ज्यादा कुछ भी चार्ट नहीं होगा। वी हैव द 3 कॉम्बिनेशन, हायर रैंक का मतलब ज्यादा रैंक लेके आया है, ठीक है, हाईएस्ट रैंक स्टूडेंट विल रैंक 5, बिकॉज आपके मदर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जब हाईएस्ट रैंक होता तो यही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द रैंक ऑफ द भार्गव इन टेस्ट 4, भार्गव इन टेस्ट 4 रैंक उसका 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लोएस्ट रैंक ऑफ ई इन विच टेस्ट, ई का लोएस्ट रैंक क्या है और कौन से टेस्ट में। तो ई का लोएस्ट रैंक टेस्ट 5 में है, बट क्या है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, बट क्या है ये मुझे नहीं पता। सो दिस वन इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज What was the rank of Bhargav in test 4? Bhargav का test 4 में rank 1 है. What is the lowest rank E in which test? E का lowest rank test 5 में है, but क्या है ये मुझको नहीं पता है. And अगर आपने question solve किया होगा, higher the rank, lower the value. तो आप please, अगर मैं mother statement को फिर से आपको दिखाऊं, तो question लिखा हुआ है, There are 6 students in a certain class, each of them writes 5 tests. They all are ranked each test. If 2 or more students got the same rank in a test, a relevant number of ranks are skipped. For example, 3 students got rank 2. The next highest rank student will be ranked 5. Highest rank 5 ko ja raha hai. Matlab more the rank, more the number. So this one is all about our chart. Ab dekhte hain aapne kya solve kiya tha ya nahi kiya tha. So with all best wishes, I'll come more with the reasoning question in coming days. God bless you, happy learning and bye-bye.